दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड केवी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चिपट्रॉनिक स्प्लाइन आरजीबी कैबिनेट के बारे में, जो कि मैं खुद अपने पर्सनल बिल्ड में यूज़ कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में करते हैं इसका रिव्यू, और करेंगे इसका रिव्यू प्रोज एंड कॉन्स के साथ, ताकि आपको इजीली समझ भी आ सके और इसका रिव्यू बहुत ही सिंपल हो जाए। तो अगर आप ये कैबिनेट लेने के लिए सोच रहे हो या 3000 रुपीज़ के आसपास आपको कोई भी कैबिनेट लेना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप ये कैबिनेट लेने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और करते हैं चिपट्रॉनिक स्प्लाइन आरजीबी कैबिनेट का रिव्यू। अब दोस्तों मैं सभी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता कि आप इस वीडियो को पूरा देखो या बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। यानी अगर इम्पॉर्टेंट है तभी मैं उसको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को मिस मत करना या स्किप मत कर देना या आधा मत छोड़ देना। तो इसको पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एंड में मैं आपको इसका कौन बताने वाला हूँ और क्या कंक्लूजन है, क्या मेरी ओपिनियन है अगर आपको कोई भी कैबिनेट लेना है 3000 रुपीज़ के आसपास। तो इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा बिना स्किप किए आराम से देखो, थोड़ी लंबी हो जाए तो भी चलता है, लेकिन पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चिपट्रॉनिक्स का स्प्लाइन आरजीबी कैबिनेट है, ये है तो ब्रांड चिपट्रॉनिक्स का, लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मेटालिक बिल्ड है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। अभी बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि चिपट्रॉनिक्स का है तो बिल्ड बहुत ही घटिया हो सकता है या बहुत ही लोकल टाइप हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्ड इसका बहुत ही अच्छा है और मेटालिक बिल्ड है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लिम्सी नहीं है, मतलब हल्का या बहुत ही चीप प्लास्टिक या चीप मेटालिक फील नहीं आता इसमें। तो बिल्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छा है इसका। तो दोस्तों फ्रंट में आपको ARGB LED स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि ARGB है, और फ्रंट में आपको कैबिनेट में एक बटन भी मिल जाता है, जिसके मदद से आप जो ARGB है उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको मदरबोर्ड के साथ भी सिंक में कर सकते हो, अगर आपका मदरबोर्ड ARGB पिन के साथ या हेडर के साथ आता है तभी, वरना आप जो कैबिनेट के साथ ही कंट्रोलर दिया गया है जो एक बटन के रूप में आता है, आप उसको यूज़ करके इसके ARGB को कंट्रोल कर सकते हो। और जो इसमें PSU श्राउड आपको मिलता है, उसमें आपको ग्रिल फिनिश देखने को मिल जाती है, जिससे जो एयर फ्लो है वो मेंटेन रहे और आप उस पर दो फैंस भी ईजिली लगा सकते हो। अब फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप 120mm के तीन फैंस लगा सकते हो या 140mm के दो फैंस ईजिली लगा सकते हो। तो फ्रंट में आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है 120 और 140mm के फैंस का। सेम केस है इसके टॉप मैश में भी, जो कि आपको एक टॉप में भी मैश देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 120mm के दो फैंस लगा सकते हो या 140mm तक के भी आप दो फैंस ईजिली लगा सकते हो टॉप मैश पे। और जैसा कि मैंने बोला आपको फ्रंट में यहाँ पे आप तीन फैंस लगा सकते हो, तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाले, क्योंकि आप जो भी फ़ैन लगाओगे आपको फ्रंट में एक मैश डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो साइड में आपको एक मैश देखने को मिल जाती है, जिससे जो एयर इनटेक है वो इस कैबिनेट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके मदद से आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा कूल रहेंगे, जैसे जिन कंपोनेंट्स पर हीट सिंक नहीं होती तो वो यहाँ पर ज़्यादा कूल हो पाएंगे। और इस कैबिनेट में आपको एक टेम्पर्ड ग्लास भी देखने को मिल जाता है, और टेम्पर्ड ग्लास है, एक्रेलिक नहीं है, टेम्पर्ड ही है, इतना मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो टेम्पर्ड वर्ड है उसको जस्टिफाई करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्लास है, एकदम हल्का या फ्लिम्सी नहीं है कि जो गिरते ही क्रैक हो जाए या कुछ भी, तो है टेम्पर्ड ग्लास है और स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों इसमें आप लिक्विड AIO कूलर भी लगा सकते हो, जैसा कि आप देख अगर आपको दिख रहा है, तो मैं भी एक 120mm का AIO यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डीपकूल का L120 है। तो टॉप मैश में आप 280mm तक का रेडिएटर ईजिली लगा सकते हो, और जो फ्रंट है उसमें आप 360mm तक का रेडिएटर ईजिली कोई भी AIO यहाँ पे लग जाएगा, इसका सपोर्ट है। हालांकि जो टॉप मैश है उसमें मुझे लगता नहीं कि 280mm तक का रेडिएटर आ पाएगा, क्योंकि जो गैप हो जाएगा जो पंप है और जो रेडिएटर उसका बहुत कम गैप है, तो इसलिए मेरे ख्याल से 240mm तक फिट हो जाएगा। 280mm तक थोड़ा मुश्किल है जाना टॉप साइड में, लेकिन जा भी सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप 240mm लोग, और अगर आप फ्रंट में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है तो आप फ्रंट में भी लगा सकते हो। तो एक अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन तो मिल जाता है 280mm तक के रेडिएटर लगाने का टॉप मैश पे। अब ये जो कैबिनेट है उसके साथ आपको एक ARGB फैन भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हो, या तो फिर आप उसी फ़ैन को जो फ्रंट LED स्ट्रिप है उसके साथ भी सिंक कर सकते हो। कैबिनेट में फ्रंट पैनल से एक वायर निकलती है ARGB
कनेक्टर वाली, उसको आप यूज़ करके फ़ैन से जो निकलती है वायर ARGB वाली, उसको कनेक्ट कर सकते हो जो फ्रंट LED स्ट्रिप है उससे। तो क्या रहेगा कि दोनों चीज़ें सिंक्ड रहेगी और जो फ्रंट पे बटन है ARGB का उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो कलर या जो पैटर्न है वो जो फ्रंट LED में चल रहा है वही आपके केस फैन के साथ ही सिंक में रहेगा, जैसा कि मैंने सेट कर रखा है। तो आपको तो पीछे दिख ही रहा होगा कि मेरे कैबिनेट में कैसे कलर्स सब सिंक में है, जो फ़ैन का है, जो टॉप में मैंने लगा रखा है फ़ैन, और वो मैंने एज अ इनटेक लगा रखा है। और इस कैबिनेट का एयर फ्लो सच में बहुत ही अच्छा है, इनटेक बहुत ही अच्छा ले रहा है ये, और जो फ्रंट में ग्रिल्स है, जो मैश है, वो भी एकदम सही तरीके से काम कर रही है। तो इनटेक इसका बहुत ही अच्छा है और जो टेम्परेचर्स है वो भी ज़्यादा जाते नहीं है, मदरबोर्ड के भी 42 डिग्री मैक्स रहता है। रैम का भी मैक्स टू मैक्स ऑन लोड गेमिंग में सिर्फ 42 डिग्री 43 डिग्री जाता है मैक्स टू मैक्स लोड, 3200 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड है रैम की। तो इनटेक और इस केस का जो एयर फ्लो है वो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, एक फ़ैन में इतना अच्छा काम कर रहा है। तो अगर मैं फ्रंट में लगा दूं या और ज़्यादा फैंस लगा दूं तो बहुत ही ठंडा चलेगा, अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एयर फ्लो होने वाली है। तो एयर फ्लो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। अब फ्रंट पैनल कनेक्टर्स की बात करें, और ये सब इसके ये रिव्यू में ही आते हैं या प्रोज में ही आते हैं। तो फ्रंट में आपको 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक है USB 3.0 और दूसरा है नॉर्मल USB 2.0। माइक और हेडफोन के लिए आपको सेपरेट जैक्स देखने को मिल जाते हैं, एक पावर बटन देखने को मिल जाता है और एक ARGB कंट्रोल बटन। अच्छा, अब इस कैबिनेट में क्या इतना स्पेशल है जो मैंने इसको लिया और जो इसमें कौन से वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इस कैबिनेट में ऐसा क्या स्पेशल है जो 4000 तक के कैबिनेट में आपको नहीं मिलता, वो ये है कि इसमें जो CPU कूलर होता है, आपका जो CPU का एयर कूलर होता है जो कि एक्सपेंसिव वाले आते हैं, तो वो इसमें लग सकता है 170 mm तक का CPU कूलर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 4000 तक के कोई भी कैबिनेट में दूर दूर तक ये सपोर्ट नहीं मिलता, और इवन जो एंट ईस्पोर्ट्स का 511 MT आता है उसमें भी आप 165 तक जा सकते हो, लेकिन इस कैबिनेट में आप 160 mm तक का कोई भी CPU एयर कूलर, जितना भी बड़ा बीफी हो, जितना भी जाइंट हो, आप इसमें ईजिली लगा सकते हो। और यही एक वन ऑफ द मेन रीज़न था कि मैंने इसको अपने लिए लिया, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, ये तो आपको पता ही, लेकिन अगर कभी किसी कंपनी ने एक CPU कूलर भेज दिया या डीप कूल ने भेज दिया या Noctua ने कभी भी आ गया, तो मेरे पास कैबिनेट तो रहेगा जिसमें वो सपोर्टेड रहे। मैं हाँ टेम्पर ग्लास लगा के भी दूसरे कैबिनेट में कर सकता हूँ, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो ये कैबिनेट में ऐसा है कि अगर मेरे को पर्सनल यूज़ के लिए भी कभी एक एयर कूलर लेना हो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, तो मैं उसको इस कैबिनेट में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ यही एक कैबिनेट है जो 170 mm तक के एयर कूलर को सपोर्ट करता है, बाकी कैबिनेट इस प्राइस रेंज में 160 mm या 165 mm तक के CPU एयर कूलर सपोर्ट करते हैं। और इस कैबिनेट में एक और अच्छी बात ये है कि जो इसका रियर पैनल है उसमें जो केबल मैनेजमेंट का स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कूलर मास्टर का K501L कैबिनेट है, जिसमें अगर आप उस कैबिनेट का अमेज़ॉन पे फ़ोटोज़ देखोगे या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि जो उसका रियर पैनल है उसमें आपको केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी स्पेस देखने को मिल जाती है। तो केबल मैनेजमेंट की सेम अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी देखने को मिल जाती है, सेम ही स्पेस है, कुछ 22 mm तक का स्पेस है जिसमें आप केबल मैनेजमेंट बहुत ही ईजिली कर सकते हो, और बिल्कुल भी टाइट केबल्स नहीं रहेगी, एकदम आराम से जगह है और बहुत ही रूम है केबल मैनेजमेंट के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इस प्राइस के बहुत सारे कैबिनेट है जिसमें जो रियर साइड है उसमें इतनी जगह देखने को नहीं मिलती केबल मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट है, जो लेंथ का ये कितना लेगा और कितना ईजिली इसमें फिट हो जाएगा, वो है अप्रॉक्सीमेटली 360 mm तक का ग्राफिक कार्ड इसमें ईजिली लग जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखो तब आपको समझ आएगा कि पूरा क्या सीन है इस कैबिनेट के साथ में। और दोस्तों एक और चीज़ है जो इस कैबिनेट में मुझे अच्छी लगी, कि वो है कि इसमें आपको ग्राफिक कार्ड होल्डर भी देखने को मिल जाता है जो कि सेपरेट आता है, उसको फ़िट करना पड़ता है, जो कि मैं फ़िट करना भूल गया, लेकिन बाद में भी कर सकता हूँ और अभी इतनी नीड भी नहीं है, मैंने कोई इतना हैवी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया कि मुझे एक यहाँ पे ग्राफिक कार्ड होल्डर लगाना पड़े। लेकिन जो इसका पैकेज है उसके साथ आपको एक ग्राफिक कार्ड होल्डर
देखने को मिल जाता है, जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई बड़ा कार्ड भी लगाना चाहते हो या कैसा भी, अगर लाइट वेट कार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको ग्राफिक कार्ड होल्डर तो आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है ये। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। और अगर मैं आपको SSD की स्पेस बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट में पूछोगे, तो बैक साइड में आप 2 SSD लगा सकते हो और 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे इजीली लग सकते हो, तो 4 ड्राइव्स का यहाँ पे सपोर्ट है। बाकी M.2 NVMe तो आप मदरबोर्ड में लगा सकते हो। तो अब जल्दी जल्दी इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। और इसमें एक बड़ा कॉन ये है कि इसमें आपका जो फ्रंट पैनल से जो USB 3.0 निकल के आता है और जो HD ऑडियो की जो वायर निकल के आती है जो फ्रंट पैनल से, वो बहुत ही छोटी है, जिसके वजह से आप बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा सकते। और इसलिए ये कैबिनेट का बहुत ही बड़ा कॉन देखने को मिल जाता है, या बहुत ही बड़ा कॉन बन जाता है, कि जो USB की वायर है वो बहुत ज़्यादा ही छोटी है और जो HD ऑडियो है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो जब मैंने ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो वो उसके साथ मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने में बहुत ही मुश्किल से ग्राफिक्स कार्ड लगा है, और USB 3.0 की जो केबल है वो भी बहुत टाइट होके और ग्राफिक्स कार्ड को टच करके जा रही है। तो इतना छोटा केबल है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने में प्रॉब्लम तो होगी। अगर आप कोई बड़े कार्ड के साथ जाते हो और सब कार्ड के जो साइज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो अगर आप कोई दूसरे कार्ड के साथ जाते हो तो ये हो सकता है कि या तो फिर आप USB 3.0 कनेक्टर को यूज़ मत करो, और HD ऑडियो को भी हो सकता है कि आपको निकालना पड़े। और दोस्तों यही एक रीज़न था कि इसकी USB और HD ऑडियो और फ्रंट पैनल के जितने भी वायर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और यही एक रीज़न है कि मैं आपको बोलूँगा कि, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा ये कैबिनेट बाय करने को। और भी कैबिनेट आते हैं मार्केट में जो कि इसी प्राइस पे आते हैं आपको, हालांकि इसके जितने फीचर्स या ARGB फ़ैन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक अच्छा केबल का जो साइज़ है वो मिल जाएगा, जिससे आपको इससे ज़्यादा क्लीन लुक मिले। अभी आप देख सकते हो कि उतना क्लीन लुक तो है, लेकिन कुछ केबल्स बीच में से जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि इसके फ्रंट पैनल की वायर बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप या तो फिर एंटी स्पोर्ट्स का IS200TG ले लो, या एनटेक का NX310 ले लो, या कूलर मास्टर का K501 ले लो, जो कि एक अच्छा कैबिनेट है। अब इनमें से PSU शाउट कूलर मास्टर में देखने को नहीं मिल जाता, और जो कूलर मास्टर का कैबिनेट है वो इतना अच्छा है, अगर उसमें PSU शाउट होता तो वन ऑफ़ दी बेस्ट सेलिंग कैबिनेट वो बन जाता है अमेज़ॉन पर और सभी जगह पे। तो पता नहीं इतने बड़े ब्रांड्स कैसे गलती कर देते कि PSU शाउट नहीं लगाया। अगर लगा देते, चाहे उसमें 2 फ़ैन आपको मिल जाते, एक फ्रंट में एक रियर साइड में कूलर मास्टर कैबिनेट में, तो अगर आप फ्रंट कैबिनेट हटा के एक उसमें PSU श्राउड देते तो बहुत ही अच्छा कैबिनेट बनता, और सीरियसली सब लोग उसी को रेकमेंड करते, क्योंकि उसका भी प्राइस 3,300 था लॉकडाउन के पहले, और सेम था एनटेक NX310 के प्राइस से। तो अगर उसमें PSU श्राउड आता तो कोई भी, चाहे 200-300 रुपये कूलर मास्टर का प्राइस ही ज़्यादा क्यों ना होता, लेकिन कोई भी 300 रुपये डाल के कूलर मास्टर का ही कैबिनेट ले लेता अगर उसमें PSU श्राउड होता। तो ये तो था इस कैबिनेट का रिव्यू, और मैंने मोस्टली सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए। अगर कुछ नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं नहीं कर रहा ये रेकमेंड कैबिनेट को बाय करने के लिए, मैं नहीं सजेस्ट कर सकता कि आप इसको जाके परचेस करो 3000 पे या 2500 पे, क्योंकि इसका फिर आपका PC बिल्डिंग का एक्सपीरियंस जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, और आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगा पाओगे, और लगाना है तो USB 3.0 को हटाना पड़ेगा। तो मैं ये सब रेकमेंड नहीं करने वाला, तो बेटर रहेगा आप 600 रुपये ज़्यादा डाल दो, लेकिन एनटेक का NX310 ले लो। तो ये तो था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक कर देना, अभी भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको फिर भी ये कैबिनेट लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और दूसरे अच्छे कैबिनेट के भी लिंक है एनटेक NX310, उसमें मैं मार्क भी लगा दूंगा कि ये कैबिनेट रिकमेंडेड है, और कूलर मास्टर का भी लिंक डाल दूंगा, PSU शॉट नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो आप उसमें, और वो भी एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। और एंटी स्पोर्ट्स का भी कैबिनेट का मैं लिंक दे दूंगा, जो प्रैक्टिकल अच्छे कैबिनेट है जिसमें एयरफ्लो अच्छा हो। तो अगर आप कुछ भी उसी लिंक से लोगे तो चैनल को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में तो इतना ही, कुछ भी डाउट है तो नीचे बता सकते हो, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।